निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कभी नहीं छोड़ेंगे। और मंडी की जीत जहां तक हुई है और आज तक के इतिहास की सबसे कम अंतर वाली जीत हुई है, जीत हुई है लेकिन जश्न लायक जीत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जनमत जो भी आया है उसको स्वीकार करता हूं और मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ भी चर्चा करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, कहां कमी रही, कहां कसर रही, इन सारी बातों को लेकर के जो उसमें आने वाले समय के लिए सुधार करने की दृष्टि से बातें आएंगी उस पर काम करेंगे। सर, इस चुनाव में महंगाई कितना है, क्योंकि आपने भी फील्ड में जब देखा तो लोगों में रिएक्शन तो था महंगाई। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है, आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीजें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है, अभी भी वहां पर जो है वो काउंटिंग जो है क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंतर बहुत कम रहेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 2022 का एक लक्ष्य रहेगा, कांग्रेस भी अब जो जीते हैं प्रत्याशी उनका ये बयान आ रहा है कि 2022 का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो गया क्योंकि सेमीफाइनल थे एक तरह से। स्वाभाविक रूप से अपनी बात वो कहेंगे, हमने ऐसे कई बार देखे हैं और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहता हूं, नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है, उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। सर, जिस तरह से विकास के मुद्दे को लेकर आप जनता के सामने गए थे, क्या उस विकास जो 4 साल का आपका टेन्योर है, क्या उस पर महंगाई भारी पड़ी है? देखिए, मैं इस सारी चीज को लेकर के ये नहीं कहूँ, मुद्दा महंगाई था, महंगाई का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया इस बार, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस सारी चीज को अभी कहना उचित नहीं समझता क्योंकि अभी तो परिणाम निकले ही हैं और मंडी की तो अभी गणना जो है वो मतगणना जो है अभी पूर्ण होने को बाकी है, अभी तक बैलेट पेपर का वो काउंटिंग का वो दौर चला है और मार्जिन जो है ये 5-7 हजार के बीच में रहने वाला ऐसी उम्मीद है वहां पर। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं कह रहा हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स रहे इसमें एकदम हम कंक्लूड कर लें या निष्कर्ष पर पहुंच जाएं वो उचित नहीं होगा। हम सारी चीजों को आराम से चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, कहाँ कमी रही पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, कहाँ ठीक पार्टी के स्तर पर करने की गुंजाइश है और कहाँ सरकार के स्तर पर ठीक करने की गुंजाइश है, उन सारी चीजों को लेकर भीतर घात की भी आपने बात जिस तरह से मानी है, तो कई नेता जो पार्टी के भीतर है लेकिन अब प्रचार में नहीं आए या और कोई काम किया, क्या इस तरह की जो रिपोर्ट्स आई है उस पर? पार्टी के ध्यान में सारे विषय हैं, इस बारे में अध्यक्ष जी बोलेंगे, लेकिन पार्टी के ऐसे कुछ लोग थे जो भीतर थे लेकिन भीतर नहीं थे, ये भी बात सत्य है। वीरभद्र सिंह का नाम जो है वो कहीं ना कहीं काम किया है मंडी में, खास तौर पर वीरभद्र सिंह का को लगता है कि जो एक मर्सी फैक्टर चला। देखिए, डेफिनेटली वीरभद्र सिंह जी के प्रति सहानुभूति का इम्पैक्ट जो है वो कुछ इलाकों में देखने को मिला है, उसको हम मना नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि रामपुर में बड़ी लीड कांग्रेस की आई, किन्नौर में लीड आई और हालांकि रोकने की कोशिश काफी की हमने, फिर भी जो है वो लीड वहां पर कांग्रेस की आई है। और उसी तरह से भरमौर में जो ट्राइबल का इलाका अन्नी में भी, तो ये सारी चीज को देखा गया है, वहां पर स्वाभाविक रूप से वीरभद्र सिंह जी के जाने के
पश्चात एक इमोशनल कार्ड उनने इस्तेमाल किया। नहीं सर, लेकिन मंडी में हार के मतलब अंतर जो होगा रहने वाला है उससे डबल नोटा है, ये बड़ा हैरानी वाला है इस बार। और अगर नोटा वाला वोट नहीं होता किसी भी दल में वो पड़ता तो ये रिजल्ट कुछ और भी हो सकता। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि नोटा का मेकल 12-13 हजार से ऊपर अकाउंट गया है और हार का मार्जिन इसका आधा है लगभग, तो इसलिए बहुत ये सोचने का विषय। आपकी सरकार के दो मंत्री मतलब रामलाल मार्कंडेय जी हैं और गोविंद ठाकुर जी हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त दिलाने में असफल रहे हैं, क्या मंत्रियों की परफॉर्मेंस को आप आंकलन करेंगे और उसके ऊपर निर्णय लेंगे? नहीं देखो, मैं इस बात को लेकर के मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तो चुनाव के परिणाम आए हैं, सही मायने में आवश्यक ये है कि कारण क्या क्या रहे हैं, किस सीट में बढ़त मिली है, किस सीट में बढ़त नहीं मिली है, इन सारी चीज़ों का आकलन बाद में हम करेंगे, कारण क्या रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले तो यही है कि कमी कहाँ छूटी है, कैसे छूटी है, जो नहीं छूटनी चाहिए थी, और उन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही आगे बात करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि जो करंट रहा इस सब चुनाव के रिजल्ट में, अगर महंगाई की बात की जाए तो क्या बोलेंगे? देखो, महंगाई के बारे में मैंने कहा ग्लोबल इशू है, महंगाई का इम्पैक्ट आज की तारीख में है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि भाई यही मात्र एकमात्र इसको हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र मुद्दा है जिसके कारण ये रही है। 2022 का जो इलेक्शन है इस नतीजे से वो कैसे बनेगा, मतलब आप क्या किन किन चीजों में करेक्शन करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें तो हैं जो अभी सुधारनी पड़ेंगी, क्योंकि जो भी आपको संगठन के लेवल पे दिखा है अभी, क्योंकि जिस तरह से फतेहपुर में जो हुआ, फतेहपुर में बेशक वहां कैंडिडेट आपने मना लिए थे लेकिन अंडरकटिंग तो नहीं रुकी, सेम अर्की में भी यही सिचुएशन है, तो 2022 से पहले क्या रोड मैप देख रहे हैं? मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जब चुनाव का ये दौर आता है टिकट मांगते हैं, और टिकट एक आदमी को मिलता है, हल्का फुल्का विरोध होता है, और कुछ लोग टिकट मांग रहे थे लेकिन उसके बावजूद टिकट नहीं मिला, उसके बावजूद उद्यम काम किया, लेकिन कुछ लोग जो है वो भीतर रह करके भीतर नहीं थे, तो ये सारी बात जरूर है। इस बात को पार्टी हाईकमान के समक्ष भी रखेंगे, पार्टी के संज्ञान में सारी चीज़ें हैं।